Personally, one of the best omelet I ever had in my life. But good. Wow. क्या बात है? इसी टाइम पे वो जो बिल्डिंग में कट्टे उठा के लेके जाते हैं जी 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 वो लेके जाते थे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपको फिर से जयपुर की एक ऐसी जगह लेके आया हूँ जो कि बहुत ही बहुत ज्यादा फेमस है, और उसका नाम है नारायण ऑमलेट वाला। देखिए, जब ऑमलेट का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही आता है कि दो तीन तरह के ऑमलेट होते हैं। एक ऑमलेट हो गया, एक हाफ फ्राई हो गया, एक बॉयल एग हो गया। लेकिन इसके बाद कम से 50 तरह की वैरायटी है ऑमलेट की, और ये बहुत ही फेमस जगह है। तो चलिए चलते हैं, आप मजबूर जाते हैं। कैसा घोटाला घोटाला क्या होता है? घोटाला जैसे भुर्जी बनती है, बॉयल एग कच्चे अंडे की मिक्स भुर्जी होती है, ऊपर चीज डलती है, जिसका हाफ फ्राई डलती है, एकदम डिफरेंट और अलग ही टेस्ट हो जाता है। घोटाला चौथे नंबर पे, चौथे पांचवे। एक हैदराबादी घोटाला ना? हाँ जी। ठीक है, आप एक तो एक हैदराबादी घोटाला कर दीजिए। ठीक है, और आप जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने अपनी मैजिकल चटनी डाल दी है, भुर्जी बन रही है इनकी, बहुत अच्छी भुर्जी बन रही है, काफी ग्रीन चिलीज और इसमें सब जो भुर्जी में होता है, क्या बात है। ओह अमेजिंग, ये देखिए इन्होंने अपना चीज डाल रहे हैं यहाँ पर। वाह वाह वाह, ये चीज स्प्रेड हो रहा है इसके अंदर, और ये घोटाला ऑमलेट बन रहा है हमारा। ये देखिए हाफ फ्राई, ये देखिए हमारा हाफ फ्राई घूम रहा है इसमें, और हाफ फ्राई पे ये देखो चाट मसाला आ गया इनका, थोड़ा नमक डाल दें, थोड़ा चाट मसाला डाल दें। नाइस, ये इस पे हमारा घोटाला ऑमलेट एक्चुअली अब तैयार हो चुका है। वेरी नाइस, आप देख सकते हैं चीज, भुर्जी, हाफ फ्राई, ये देखिए हमारी प्लेट लग चुकी है, और हमारी इस पे ग्रीन चटनी और थोड़े से कमल जी भैया एक मलाई कोफ्ता ऑमलेट और कर दीजिए। शुरू में जब वो आते हैं, जब बता देते 80 रुपए नौकरी में लगे थे तनख्वाह में, फिर उन्होंने मेहनत करते गए, किसी टाइम पे वो जो बिल्डिंग में कट्टे उठा के लेके जाते थे जी, जी, जी। वो लेके जाते थे। ओके, तो आज फिर मेहनत कर करके यहाँ पे 5 साल हो गए यही कर रहे हो वैसे? सर अपना स्टडी भी चल रही है, फाइनल ईयर हुआ है। क्या है सर अपने पास फेमस? एक तो एग घोटाला बनता है, एग पिज्जा बनता है, बाकी ये है जितनी भी मेन्यू कार्ड में अपने सारे आइटम है वो सारे मतलब तगड़े हैं। सारे आप ये सारी रेसिपी जो आपकी एक रेसिपी है इसकी मसाले की, वो पापा की है? पापा की है। आपको बनाने आती है वो? हाँ ब्रदर, आपने अपने पापा को इतनी मेहनत करते देखा है, इतना स्ट्रगल करते देखा है, तो आपके क्या प्लान्स हैं, आप आगे क्या करना चाहते हैं? आगे तो मैं मतलब एक मैन तो यही है कि मैं इसी को संभालूं और अच्छी तरह करूं और अच्छा सेटअप। जैसे ये शॉप है तो मैं रेस्टोरेंट वगैरह टाइप करके कुछ अच्छी तरह मतलब कस्टमर्स को भी अच्छी वो फैसिलिटीज दे सकूं। जैसे सिटिंग का हो गया, जैसे हमारे यहाँ पे अभी सिटिंग नहीं है, बस स्टैंडिंग बार टाइप है, मतलब खड़े होकर खा सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ सिटिंग टाइम थोड़ा हो और थोड़ा अच्छा हो और अपने कस्टमर को संतुष्ट करूँ, सैटिस्फाई करूँ ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सर। Now guys, you can see the special malai kofta omelet recipe, कि ये recipe कैसे बन रही है, and it's quite specialized. ये देखिए, wow, beautiful. सर इसमें मैन तो एक काले मिर्च नमक होता है और मैन दूसरा ये चीज़ है चटनी हमारी। हाँ, पर्सनल चटनी। देख सकते हैं
सकते हैं, ये हमारा ऑमलेट है, हमने जो ऑर्डर किया है ये मलाई कोफ्ता ऑमलेट है, दिस इज मलाई कोफ्ता ऑमलेट, और ये है इनका फेमस घोटाला, घोटाला ऑमलेट, और ये इनकी ग्रीन चटनी है, ये सॉसेस, और ये इनका सैलड है। तो ट्राई कर देते हैं कि ऑमलेट कैसा है। पहले घोटाला ऑमलेट ट्राई करते हैं ब्रेड के साथ। बहुत अच्छा ऑमलेट है, इसमें बेसिकली इनकी जो चटनी होती है, जो नारायण की फेमस चटनी है, वो चटनी मिली हुई है, और चीज़ जैसा आप देख सकते हैं, साथ ही के अंदर बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी ऑमलेट है। गरम मसाले की, गरम मसाले और अदरक लहसुन की ये चटनी है, जानो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट ऑमलेट आई हैव हैड इन माय लाइफ, और मैं सिर्फ बात मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली ये बहुत अच्छा ऑमलेट है, घोटाला ऑमलेट है। स्टफिंग देख सकते हैं जिसकी आप, इसको अपन अंदर तक इसमें भर रखा है, मसाले हैं इसमें, चीज़ है इसमें, इनकी चटनी है जो मेन चटनी है इनकी, जो बहुत फेमस है। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, वाओ। वो घोटाला ऑमलेट है जिसको पूरी कुछ खा के आप घोटाला हो जाओगे। मसाले गरम मसाले हैं इसमें, इनकी चटनी है बहुत, सब देख सकते हैं भीड़ कितनी हो रही है। बहुत बहुत अच्छी, जैसे कि आप देख सकते हैं इनका घोटाला जो ऑमलेट है वो बहुत अच्छा है, इसमें भुर्जी भी है, इसमें एग, इसमें देखिए इनका हाफ फ्राई भी है, हाफ हाफ फ्राई, और हरी मिर्च मसाले अच्छे हैं, गर्म मसाला है, धनिया है, और इनका जो पर्टिकुलर खुद का मसाला है वो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से है। ग्रीन चटनी सैलड आप देख सकते हैं, तो ऑल ओवर मिला करके बहुत अच्छी डील है। अगर आप यहाँ आते हैं तो बिल्कुल आप खाइए, और अगर आप मुझसे इसकी रेटिंग के लिए पूछेंगे तो मैं आपको इसकी रेटिंग दूंगा 10 में से शायद 9 एज कम्पेयर। तो ये हमारे साथ यहाँ पर आए हैं, लोकल हैं यहाँ पर, जो यहाँ नारायण ऑमलेट के आते हैं, तो क्या अच्छा था यहाँ पर घोटाला मस्त रहा है। अगर यहाँ पे नारायण जी के आप आ रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट डिशेज है घोटाला, वन ऑफ द बेस्ट डिशेज। और एक मैंने सुना है पीछे भी है वो संजय ऑमलेट, या क्या है संजय ऑमलेट भी डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, बट वहाँ पे थोड़ा सा मेरा पर्सनल फेवरेट ये है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ऑयल बटर बहुत ज़्यादा फेमस है, पर ये थोड़ा कम है, डेफिनेटली नहीं है, हाँ ये इतना पॉपुलर नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पे भी बहुत क्राउडेड है, आप ट्राई करके देखिए दोनों, आपको भी पता लगेगा। चलिए ठीक है, ये हमारे एक जेन्युइन रिव्यू थे जो हमने लिए यहाँ के लोकल लोगों से, तो थैंक यू, थैंक यू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम नारायण ऑमलेट वाले के पास आए थे, और कहाँ से उनकी स्टोरी शुरू हुई, एक ठेले से उन्होंने शुरुआत करी, बोरी उठाई और बहुत मेहनत वाला काम भी किया और यहाँ तक पहुँचे हैं आज। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं और बहुत फेमस है ये, तो आप कभी भी जयपुर आते हैं तो प्लीज़ आप नारायण ऑमलेट वाले के पास आए, ये लाल कोठी, और बाकी हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आपके साथ मैं और भी नई नई जगह एक्सप्लोर करूँगा, हिडन जेम्स जो हमारे खाने पीने के हैं वो आप सब लेके आऊँगा, तो और बेल घंटी का जो बटन है वो भी आप दबाइए। थैंक यू।